मैं पूज्य महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरे नाथ संप्रदाय के अनुरोध को स्वीकार किया कि अपना उत्तराधिकारी अपने समय में बनाना। एक बड़ी चुनौती है भारत के संत समाज के सामने। हम लोग देख रहे हैं अच्छे अच्छे मठ, अच्छे अच्छे मंदिर उत्तराधिकारी के अभाव में उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, झगड़े के अड्डे बनते जा रहे हैं। मैं रोज गोरखपुर में देखता हूं, कोई ना कोई बुजुर्ग साधु मेरे पास आता है और कहता है कि मैं मठ को लिख रहा हूं। मैं कहता हूं क्यों? वो कहता है कि कोई शिष्य नहीं है। मैं कहता हूं मैं कितना शिष्य बनाऊंगा? आप अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मैं कितने को देखूंगा? आप अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं? एक चुनौती है। और मैं आप सभी योगेश्वरों से भी कहूंगा, समय रहते व्यवस्था देखिए, योग्य पात्र व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाइए, सिखाइए भेद के बारे में, संप्रदाय के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, खड़दर्शन संप्रदाय के बारे में। उसको किसी संकीर्णता के दायरे में कैद मत होने दीजिए। एक विराट व्यक्तित्व उसका बनाइए, एक विराटता व्यापकता उसके अंदर लेके आइए। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा जब नाथ संप्रदाय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उसके नेतृत्व की बात आई, लोग आए मेरे पूज्य गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा मैं तो नाथ संप्रदाय का हूं। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि हमारे यहां एक पंथ राम का है, एक पंथ लक्ष्मण जी का है, एक हनुमान जी का भी है, तो अगर नाथ संप्रदाय का योगी नहीं नेतृत्व देगा तो कौन नेतृत्व देगा? तो महाराज जी ने सर स्वीकार किया कि ठीक है, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए योग्य के लिए मैं अपने पुष्प समर्पित करता हूं। और नाथ संप्रदाय का एक योगी, एक योगी, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है उसको नेतृत्व देता है। अगर संकीर्णता होती तो हम भी तो हट सकते थे। नहीं, कभी नहीं हटे, कभी नहीं टिके। और विपरीत परिस्थितियों में उन उसको नेतृत्व प्रदान करते हुए कार्य किया। कभी कोई भेदभाव मत करना किसी के साथ। हमारे बहुत सारे स्थान है, आप जूनागढ़ में चले जाइए कोई भेदभाव नहीं होता है, आप फतेहपुर में जाइए कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, आप हरिद्वार में जाइए बाबा वहां पर गुरु गोरखनाथ मंदिर और अखाड़ा है, मोहन चेताईनाथ जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर थोड़ा बहुत कभी लोगों को परेशानी होती होगी सुरेंद्र सूरजनाथ जी महाराज जैसे लोगों को, लेकिन कोई भेदभाव वो भी नहीं करते। तो कोई भेदभाव कभी भी नहीं होना, न संप्रदाय के आधार पर, न जाति मत और पंथ के आधार पर। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। और यह दायित्व यहां पर पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उनके साथ, उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठ करके योगी बालकनाथ जी महाराज को इन सब बातों को लेकर के, उस नेतृत्व का झंडा लेकर के आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। आपको तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि गुरु कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उनके सानिध्य में आपको जानने, सीखने और पूरा हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर इतना बड़ा संप्रदाय आपके साथ खड़ा है, पूरा नाथ संप्रदाय खड़ा है, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस विश्वास के साथ। एक हाँ, पूरा हमेशा एक साथ खड़ा, पूरा नाथ संप्रदाय हमेशा खड़ा रहेगा, कहीं इसमें कोई संदेह कहीं भी किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं इस पूरी परंपरा के प्रति बारंबार आदेश नमन करते हुए मैं सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परंपरा को अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर के यशस्वी प्रदान करें, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज को स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, जिससे उनका सानिध्य इस मठ, उनका नेतृत्व इस मठ को मिले,
उनका पूरा सानिध्य नाथ संप्रदाय और खड़ दर्शन संप्रदाय को प्राप्त होता रहे। आप सबके प्रति जो भी महानुभाव आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय के योगेश्वर पूज्य संत आए हैं, महामंडलेश्वर पूज्य संत जी आए हैं, पूज्य हमारे पीठ और महंतगण आए हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, इस परंपरा से जुड़े हुए जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्राध्यापक गण हैं, आचार्य गण हैं, अन्य चिकित्सक गण हैं, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी मिलकर के इस मठ की परंपरा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगे। जहां कहीं भी हम सब की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब सदैव उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप सबके प्रति हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वाद भी दिया, आश्वासन भी दिया और इस नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा गौरव है हमारे पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी, और उन्होंने कहा कि हम साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। तो बालकनाथ को कहीं पर भी कोई रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परसों मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, क्योंकि पहले से उनके कार्यक्रम निर्धारित थे, तो हमारे खट्टर साहब ने भी मठ के उत्तराधिकारी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राव नरवीर जी, जो नरों में वीर हैं और इस परंपरा के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था है, विश्वास है, महाराष्ट्र के प्रति उनका अनन्य प्रेम है और हमारे भी वो शिष्य हैं, तो नरवीर जी भी यहाँ पर सरकार की ओर से आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई राव नरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी आदि स्वामी जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं, और सभी ट्रस्टीगण स्वामी जी के, सभी आस पड़ोस के, सब गांव से भी, क्योंकि ये एक जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोग्राम नहीं था जी, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान है एक तरह का, गुरु शिष्य परम्परा का। और डॉक्टर मार्कंडेय जी महाराष्ट्र की परंपरा को बहुत श्रद्धा से आगे बढ़ा रहे हैं, और मार्कंडेय जी के लिए और हम सब के लिए हमने जैसे कहा कि आज से योगी बालकनाथ जी भी उसी परंपरा का हम निर्वहन करते हुए पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी का, और पूज्य महाराष्ट्र ने जैसे जिक्र किया 900 वर्ष पुरानी सिद्धों की परंपरा, इतना प्राचीन गौरव है इस मठ का। और पिछले दिनों में कुंभ में था तो एक जगह मुझे बुलाया गया कि आज कोई आचार्य महामंडलेश्वर बन रहे हैं, तो मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, बोले बाबा जी आप मत आना वहाँ। मैंने कहा क्यों भाई? बोले महाराज वहाँ लठ बज सकता है। मैंने कहा भाई फिर जरूर आऊंगे। मैंने कहा जहाँ लठ बजने की संभावना हो भाई वहाँ बाबा जरूर जाएगा। तो मैंने कहा बात क्या है? तो महाराज जी ने बार बार जो संकेत किया कि बोले आचार्य महामंडलेश्वर केवल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही बन सकता है। तो कुछ ऐसी परंपराएं थी, वो परंपराएं अब दूसरी जगह भी महाराज टूट रही हैं, ये हमें खुशी है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ऐसी परंपराएं अब जो है दशनामियों में भी टूट रही है। तो एक खास बात यह है कि नाथ परंपरा में यहां ब्राह्मण शरीर से भी हैं जन्म से, यहां क्षत्रिय शरीर से भी हैं, यहां वैश्य शरीर से भी हैं, यहां दलित शरीर से भी हैं, आदिवासी वनवासी वाल्मीकि जो भी हो, कुछ नाम आजकल बोल नहीं सकते माइक पर, कोई भी जाति का हो, यहां सब एक ही भगवान के रूप हैं। और अरे हिंदू की तो बात छोड़ो, बहुत से मुसलमान भी हमारे योगी संप्रदाय में, ये बात है आज भी है। हाँ, वो पीर फकीर एक, ये तो पूरी परंपरा ऐसी रही है। तो इस परंपरा में कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं है, जाति की तो कोई बात ही नहीं, मनुष्य एक जाति है और सब भेद की एक जाति है, सन्यासी योगियों की एक, हम सब एक, ईश्वर के प्रतिनिधि, अमृतस्य पुत्रा,
ये हमारी परंपरा है। और नाथ संप्रदाय ने इस परंपरा को जिया, कोई भेदभाव नहीं रखा है। और ये सब महापुरुष यहाँ पर इसी परंपरा के यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे भी इस परंपरा को ऐसे ही गौरव प्रदान करेंगे। महाराज श्री का यद्यपि आवाज थोड़ी कम निकलती है, लेकिन दो चार शब्द जरूर आशीर्वाद के बोलेंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। फिर हम सब महाराज जी के लिए प्रार्थना करके फिर आज की सभा को विराम देंगे शांति पाठ के साथ। पहले महाराज जी का आशीर्वाद, फिर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। विश्व स्वरूपम जगदीश रूपम धर्मेक यूपम यति वर्ग रूपम वेदार्थ सारम त्रैतापहारम श्रीमस्तनाथम सततम नमामि। आज विशेष रूप से पधारे हुए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज हमारी इस नाथ पंथ की अखिल भारत वर्षीय अवधूत योगी महासभा के अध्यक्ष और गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय सम्माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे नाथ पंथ के अध्यक्ष श्री महंत आदित्यनाथ जी महाराज, सभी सम्माननीय पूजनीय श्रद्धेय आठमानधारी महंत वीर योगी महासभा के महामंत्री चेताईनाथ जी, कटदर्शन समाज के सभी आए हुए सम्मानित महामंडलेश्वर योगेश्वर, क्योंकि स्वामी जी का आदेश है और महाराज जी का भी आदेश है कि आपको दो चार शब्द जरूर कहने हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझ पर आप सभी का जो स्नेह और जो कृपा और आशीर्वाद रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि वही आशीर्वाद देने के लिए आप आज यहाँ पधारे और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने आज अपना उत्तराधिकारी योगी बालकनाथ जी को घोषित किया है, उस सब को भी आप सब आशीर्वाद देने उस बालक को आए हैं। मैं पूरे मठ परिवार की तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस तरह से भावुक थोड़े ही होते हैं, ये तो बड़ा शुभ अवसर है। बाबा मस्तनाथ जी का जो आशीर्वाद हम सब पर रहा है, वो आगे भी हम सभी पर उससे भी अधिक रहेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है कहना चाहूँगा कि इस सिद्ध भूमि में जब मैं आया और मैं अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में हाजिर हुआ, और जिस प्रकार से मुझे उन्होंने आशीर्वादित किया, मुझ छोटे से बालक को जिस प्रकार से अपने आशीर्वाद की छाया में उन्होंने बढ़ाया, पाला पोसा, और जिस प्रकार से स्वामी जी हैं, आपके सदगुरु देव जी थे, आप थे और आप सब महंत पीर हैं, सबका मुझे स्नेह साथ सहयोग रहा, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं था तो भी मुझे सभी ने इतना मान सम्मान दिया, इतना स्नेह और सहयोग दिया, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक बहुत छोटे से बहुत अदने से व्यक्ति को
बाबा मस्तनाथ जी के कृपा और उनके आशीर्वाद से मैं कहता हूं कि मुझे इस तपोभूमि में सेवा करने का जो अवसर उनके आशीर्वाद से मुझे मिला, मैं तो धन्य हो गया। चाहे मंत्री जी हैं, चाहे जिन सभी का मैंने अपने उद्बोधन में डॉक्टर साहब ने जो पढ़ा, जो कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, सबका मुझे इतना सहयोग मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा दायित्व, जो मेरा कर्तव्य था कि अपने जीवन काल में ही इस मठ को एक सुयोग्य सुपात्र उत्तराधिकारी दूँ, तो भाई मैंने तो अपने कार्य की तीसरी की है। और सभी से जो है उसी सहयोग, उसी आशीर्वाद और उन्हीं शुभकामनाओं की आशा रखता हूँ कि जो पहले मिली है वो भी आगे आप सबका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहेगा। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी का, स्वामी जी का, योग ऋषि जी का, अपने अध्यक्ष माँ श्री महंत आदित्यनाथ जी का और अपने शेखावाटी से पधारे हुए महंत नरहरिनाथ जी का, पीर पारसनाथ जी का, सभी महंत पीरों का, सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने में मुझे दिक्कत है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और इस बालक को जो आशीर्वाद आप सबका मिला है, तो उस सब के आशीर्वाद के साथ ही मैं अपना भी आशीर्वाद इसको देता हूँ। तो महाराज जी के लिए सभी एक बार मिल करके प्रार्थना करते हुए आज की सभा को शांति पाठ के साथ विराम देंगे। सब मेरे साथ मिलकर के, सब मेरे साथ मिलकर के पूज्य महाराज श्री के दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रप्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।